गुड मॉर्निंग बच्चों, श्री महावीर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपबाव के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने जा रहे हैं। आपबाव का सिद्धांत क्या है, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि आपबाव का सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से किस उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है कि आपबाव के इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है, उसके बाद क्रमशः बढ़ती हुई ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। और कहाँ कहाँ प्रवेश करता है, तो सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d और 7f, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद बढ़ती हुई ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते जाता है। इसका एग्जाम्पल लिया था कि यदि घर में खाना बने तो पहले छोटे बच्चों को खिलाते हैं, वैसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले भरते हैं, उसके बाद खाना बचता है तो दूसरे कक्षकों में हम भरते जाते हैं, और अगर नहीं बचता है तो फिर वो ये इनमें इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरता है, 1s में, उसके बाद 2s में, ठीक है, उसके बाद 2p, फिर 3s, 3p, ठीक है, फिर उसके बाद 4s, फिर चलेंगे तो 4s के बाद 3d, फिर आगे 4p, 5s, 4p, 5s, और आगे बढ़ें 4d, 5p, 6s, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, तो 4f, 5d, 6p, 7s, ठीक है, फिर 5f, ठीक है, 6d, 7p, डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके बाद 6f, 7d और 7f। अभी इलेक्ट्रॉनों की खोज होनी पाई है तो इनमें अभी इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, लेकिन अभी जो तत्व है, खोजे गए तत्व, उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इनमें प्रवेश कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसे होता है, बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है, उसके बाद क्रमशः बढ़ती हुई ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाता है। तो पहले 1s में, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, p वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, d वाले में उपकोष में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, और f वाले में 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। तो ये इनमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है कि इसमें s में 2 होती है, 6 होती है, इसमें 10 होती है और इसमें 14 होती है। अब एस ब्लॉक के तत्व क्या थे वो हमने देख लिए थे। एस ब्लॉक तत्व क्या है, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इसमें एक पहली लाइन अगर देखें, पहला वर्ग, तो हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद से पूरा ये बन गया फर्स्ट वर्ग, ठीक है। फिर दूसरा है, बेटा मांगे काला शर्ट बापू राजी, यानी बेटा बापू से काले शर्ट की मांग कर रहा है और बापू राजी हो जाते हैं, जिससे कि मेरे बापू राजी हो गए काला शर्ट दिलाने के लिए। तो बेटा मांगे काला शर्ट बापू राजी, मैंने बहुत जिद की तो काला शर्ट दिला दिया। ऐसे हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना रब से फरियाद कर रही है कि एस ब्लॉक के तत्व उसको जल्दी से याद हो जाए और सारे एलिमेंट्स बन जाएँ। अब इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, उसके लिए हमने मैजिक नंबर लिया था, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ठीक है। इसका एक होता है 1 और 2, 3, 3 और 8, 11, 11 और 8, 19, 18, 36 और 1, 37, 37 और 18 देखें तो 55 हो गया, 55 और 32 को जोड़ देंगे तो 87, यानी इनका परमाणु क्रमांक हो गया 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ऐसे ही इस वाले का देखें तो 3 है तो इसका क्या होगा, 4 है, इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 और 4, 12, या फिर इसका 11 है तो इसके 12, 19 है तो 20, 37 है तो इसका 38, 55 है तो इसका 56 आ जाएगा, 87 है तो इसका 88 आ जाएगा। या इनमें देखें तो इसमें 8 जुड़ रहा है, फिर इसमें 8 जुड़ रहा है 20, फिर 18 जुड़ रहा है 38, फिर 18 जुड़ रहा है 56, फिर 32 जुड़ रहा है 88, तो ये इनके भी हमने परमाणु क्रमांक बना लिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपबाव के नियम से कैसे करेंगे, तो देखो इसमें एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1 से 2,
टू होता है, ठीक है। और जो प्रथम वर्ग होता है ये प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और ये प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनएस वन होगा इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, एस के आखिरी कोश में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ पर एन एस टू इसका मतलब इसके आखिरी कोश में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें दिख जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा। देखते हैं, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया एन एस वन, देखो एक आ रहा है एन एस वन मतलब कि वन एस वन, ये तो फर्स्ट वाली ही है आपबाव का सिद्धांत, यानी कि वन एस वन। फिर हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक दो, या फिर इसी का लेते हैं केवल, लिथियम का लेते हैं, केवल हम एस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो कितना होगा वन एस टू टू एस वन, है ना, वन एस टू उसके बाद टू एस वन, तीन इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, अगला वाला इसमें। लिथियम के बाद सोडियम में आते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, चलो सोडियम का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबसे पहले चलेंगे 1s, ये हो जाएगा 1s1 यानी 1s2, फिर 2s2, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s में प्रवेश कर गया 2s में, उसके बाद कहाँ आएगा 2p, तो 4 और 6 10 यानी कि 6 हो गए यहाँ पर। अब इसमें 11 है तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, ये 3s में, तो देखो 3s1 यहाँ पे था, 1s1 यहाँ पर, 2s1 यहाँ पर, 3s1, अगला आएगा 4s1, 5s1, 6s1। अब पोटेशियम का ले लेते हैं K19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, यहाँ तक तो चल ही गए, फिर कितना 3p6, फिर आ जाएगा 4s1। अब समझ में आ गया यहाँ पे कि हमें फर्स्ट वाला जाएगा 1s में, फिर आएगा 2s1, 3s1, 4s1, यानी कि ये आ गया 1s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन, 2s1, 3s1, 4s1, फिर अगला आ जाएगा 5s1, 6s1, 7s1। मतलब ये समझ में आ गया हमें कि इनमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो s कोश में प्रवेश करेगा, और ये 1s1 में, ये 2s1 में, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। अब अगला जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं रुबिडियम का, तो हमें पता है कि ये 5s पर रुकेगा, तो हमें यहाँ से लगा करके यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन तो भर ही देना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन लिख देना है, उसके बाद इसमें आखिरी में एक भर देना है, उसके बाद गिलेंगे कि बराबर आ रहा है 37 कि नहीं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिख देता हूँ। देखो क्या लिखा है 1s2, फिर लिखा है 2s2, फिर 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, 4s2, 3d10, है ना, फिर 4p6, और अगला है 5s1। मैंने इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया और आखिरी में ये बच गए, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तब गिनो, अब s1 में 6, यहीं से गिनते 6 और 4 10, फिर 6 और 4 10 10 20 30 36 और 137, बिल्कुल बराबर आ रहा है, 5s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, अब यहाँ आ रहा है। अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना है CS55, कहाँ जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो हमने देखा कि 6s1 यानी कि यहाँ तक, तो ये इतना तो रहेगा ही सही, प्लस इसमें ये दोनों भी आ जाएंगे और 6s में 1 हो जाएगा, तो इतना रिपीट होगा 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, कितना इजी है, बहुत इजी है। फिर 4p6 में आ गए 5s2, 5s2, फिर अगला 4d10, 4d10, 5p6, 5p6, लास्ट 6s1, ठीक है, अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ ले लेते हैं, कितना आया था 4d10, फिर 5p6 और 6s1 लास्ट में आया। अब इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो बराबर आएगा 6 और 4 10 और 10 20 30, ठीक है, 30 40 40 और 12 50 52 54 और 1 55, बराबर 55 आ रहे, 55 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सब आते जाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा 7s1, मतलब कि यहाँ तक, तो ये इतने और बढ़ जाएंगे इसमें, ये वाले इसमें और बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी इसमें, है ना,
इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो अपवाह के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत आसान है। इनके अलावा भी कोई सा भी तत्व हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो बस इलेक्ट्रॉन गिनते जाओ और उनमें भरते जाओ। अब जैसे इनका तो हमें पता था, जैसे ये 56 वाले का लेते हैं ना, बेरिलियम 56 कितना आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। कैसे करना है देखें, सबसे पहले 1s2 में चलेंगे, ठीक है, उसके बाद 2s2, ठीक, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर उसके बाद 3s के बाद में कहाँ आना चाहिए, हाँ 3p, राइट, 3p6, फिर 4s2 यहाँ गए, फिर 3d। अब यहाँ आके रुक जाते हैं, किसका लिया था हमने, यहाँ वाले का, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया था, 6s1, इसका 55 वाले का, ये देखो 55 वाले सेम ही है, इसमें 56 है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको हम इसी से बना ले तो और इजी हो जाएगा, कि इसमें 55 है इसमें 56 है, इसका मतलब यहाँ पर एक आ रहा है तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, सेम ही रहेगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम का बनाना है तो लिथियम ये था, बेरिलियम का अगर बनाएंगे तो बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, बस यहाँ पे 1s2 है ना, 1s2 है और 2s भी कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि इस एक की जगह 2 हो जाएगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना है, 11 की जगह 12 है, तो यहाँ पर एक की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम का अगर है तो इसमें कितना आ जाएगा, 4s2, फिर 5s2, फिर 6s2, फिर 7s2, बस। तो ये वाला पूरी टेबल भी हम बना सकते हैं। तो इनका अपवाह के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होता है। तो कोई सा भी तत्व हो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से कर सकते हैं। और अपवाह का सिद्धांत याद करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वही उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इसमें सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन देखा हमने कि एस में ही प्रवेश कर रहे हैं, एस के अलावा किसी में भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये है NS1, ये है NS2, इसकी आक्सीकरण संख्या +1, इसकी +2, ये सब मुलायम धातुएं हैं। कुछ गुण थे इनके जो हम सीख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।